हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आपको CCMC का फॉर्म फिलअप करना है फॉर TS रेमन 2024 जुलाई बैच, तो बता दो कि TS रेमन का भी फॉर्म अवेलेबल है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आप इसका फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, ये फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, प्लस इनका जो फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट क्या है, इनका एग्जाम डेट कौन सा है, एंड इनका फॉर्म फिलअप करने का जो फॉर्म फीस है वो कितना है, और इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एंड इनका एग्ज़ाम जो होगा ये ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, एंड इनका जो एग्ज़ाम होगा इस एग्ज़ाम का स्टार्टिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा, एंड इनका प्रीवियस क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप एक बार कर लेंगे तो फिर आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन 50% हो जाएगा। तो मैं ये सब चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो आप ये वीडियो स्ट्रक पूरा जरूर देखिएगा। एंड वीडियो स्ट्रक तो फिर आपको बताऊँगा कि अगर आपको CCMC एंट्रेंस एग्जाम का स्टडी मटेरियल चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, सेकेंडरी क्वेश्चन चाहिए, तो एक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन मेरे डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, मेरे डिस्क्रिप्शन में जो TS रेमन का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक, आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप पहुँचेंगे TS रेमन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पेज पे। तो देखिए इस पेज पे आप कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पे तो देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है प्री सी कोर्स बुकिंग एंड एडमिशन, आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए आप डायरेक्टली कोर्स पेज पे पहुंच जाएंगे। देखिए जो नंबर वन पे देखिए जो कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स इन मेरिटाइम कैटरिंग, मतलब CCMC, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन 6 मंथ्स का है, रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है 26 फरवरी से और रजिस्ट्रेशन क्लोज डेट 20 मार्च 2024, मतलब अभी आपके पास लगभग एक महीने से थोड़ा सा 10 दिन कम है, मतलब आपके पास अभी 20-22 दिन है बचा हुआ तो ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। एंड देखिए एकेडमिक में इनका कोर्स स्टार्ट होगा 1 जुलाई से, तो अभी आपको अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए आप जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा हुआ है कितना फ़ीस है इस फॉर्म फिलअप करने के लिए, इस फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 700 रुपये का फ़ीस देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा और आपका ईमेल आईडी जो भी डालेंगे उस स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा, और आपके पास आपका इंडियन पासपोर्ट होना कंपलसरी है ड्यूरिंग द सबमिटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट्स, ठीक है। और आपका आपको 10th पास होना चाहिए मिनिमम 40% एंड आपका इंग्लिश में मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट पार्ट टाइम और डिस्टेंस लर्निंग और कोरस्पोंडेंस कोर्स और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है। और एज देखिए 25 से 17.5 के बीच में होना चाहिए, और अगर आप SC ST हैं उस टाइम पर आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, और अगर आप OBC हैं तो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, और अगर आप डिप्लोमा होल्डर है उस टाइम पे आपको 2 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। और देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड हॉल टिकट कब है वो सब, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे चला जाएगा आपके फॉर्म फिलअप करने के बाद। और गर्ल कैंडिडेट ऑल्सो कैन अप्लाई, अगर आप गर्ल्स हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कोर्स फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, मतलब आप अगर एक बार पे कर दिए फिर आपको कोर्स का जो फीस है जो आपका 700 रुपीज़ फ़ीस है या आपका या फिर को रिएम्बर्स नहीं मिलेगा, मतलब रिटर्न नहीं मिलेगा, सॉरी कोर्स फीस का बात कर रहे हैं, सॉरी ये एग्ज़ाम का फीस नहीं है, कोर्स फीस। सपोज कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया और आप एडमिशन भी कर लिए, आपका आप पूरा कोर्स फी भी पे कर चुके, उसके बाद फिर अगर बोलते नहीं मुझे कोर्स नहीं करना है मेरा पैसा वापस दो, उस टाइम को पैसा वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए आप ये सब पढ़ने के बाद ठीक से पूरा पढ़िएगा सारा 9 पॉइंट, फिर आप क्लिक करेंगे आई एक्सेप्ट बटन पर, ठीक है, एक्सेप्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आप पहुंच जाएंगे इसका जो मेन फॉर्म है वहाँ पे। देखिए आपको यहाँ पे आपका फोटो अपलोड करना पड़ेगा, कैंडिडेट फोटो में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। फिर जो भी देखिए स्टार मार्क किया हुआ है आपको वो सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम एज पर पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, ये सब बर्थ प्लेस आपका पासपोर्ट में मिल जाएगा, प्लेस ऑफ बर्थ, फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब देखिए ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप ठीक से दीजिएगा, ईमेल आईडी स्पेशली ईमेल आईडी आप ठीक से यहाँ पे पुट कीजिएगा, बिकॉज ईमेल आईडी में कुछ गलती हो गया फिर आपका फिर चांस भी खत्म, एग्जाम भी खत्म। फिर आप ये सब कुछ डालने के बाद देखिए जैसे कि इंडोस नंबर, आपके पास इंडोस नंबर नहीं है तो देखिए यहाँ पे देखिए स्टार मार्क भी किया हुआ नहीं है, जो आपका स्टार मार्क में है वो आपको मैंडेटरी आपको फिलअप करना ही पड़ेगा, जो भी ऑप्शन पर आपका रेड स्टार मार्क नहीं है फिर आप वो आप फिल भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो आप जैसे फर्स्ट पेज के बाद फिर आप नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद फिर से पूरा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो आपका डिटेल्स है आप वहाँ पे वो सब पुट करेंगे, फिर लास्ट में आप 700 रुपीज़ पे करने के बाद फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद का जो कम्युनिकेशन है ठीक है वो सब आपके ईमेल के थ्रू होगा, और इनका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, आपको जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें फिर आपका सेंटर का नाम लिखा हुआ रहेगा, फिर आपको वहाँ पर जाके आपको आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा,
और अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन आप चेक कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको कोई लिंक मिलेगा एंड वो आप उस लिंक से स्टडी मटेरियल एंड उनका प्रीवियस क्वेश्चन आप ले सकते हैं फॉर CCMC। तो अभी आपके पास टाइम है, लगभग 22 दिन के आसपास टाइम है, तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और आपके जो भी दोस्त अभी CCMC कोर्स के लिए वेट कर रहे हैं कि TS रहमान का फॉर्म कब आएगा, उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको थोड़ा हेल्प हो जाए। बिकॉज TS रहमान एक सबसे बेस्ट कॉलेज है CCMC एंड GP रेटिंग कोई भी कोर्स के लिए। तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपको हेल्प करने के लिए। तो मैं ये चीज़ बोलने के लिए वीडियो बनाया था। आज ये वीडियो इधर ख़त्म करता हूँ। टेक केयर एंड बाय।